करें हम वादों की इस रेल में, दुनिया को हम स्वर्ग बनाएं खेल खेल में, खेल खेल में। पहला वादा बूंद बूंद कर खेल बचाएं, खेल बचाएं। जल है जीवन, आओ सबको ये समझाएं, ये समझाएं। दूसरा वादा पेड़ों पर हम फूल खिलाएं, शुद्ध हवा से दुनिया को महकाएं। एनर्जी देती हमको जीवन, जीवन नहीं गवाना है। खोल कर हर पिंजरे को हमें हर पक्षी को उड़ाना है। एक ठुमकल एक कसम आज हम उठाते हैं, मातृभूमि की रक्षा में संरक्षण का दीप जलाते हैं, संरक्षण का दीप जलाते हैं। आँखों में है ख्वाब अनेकों, इन बच्चों की रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाएं, खेल खेल में, खेल खेल में बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूं विशाल और मैं हूं अनु, और आपका स्वागत है जानकारी और मनोरंजन के तालमेल से बने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। बिफोर वी स्टार्ट, एक चीज मैं पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं अनु। क्या? तुम इतना दूर से आती हो मगर फिर भी इतनी फ्रेश कैसे बनी रहती हो यार। विशाल, इसका सीधा सा क्रेडिट जाता है दिल्ली मेट्रो को। जब से मैंने अपनी गाड़ी की जगह मेट्रो से ट्रैवल करना शुरू किया है ना, मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ। जे बात, मतलब ये मेट्रो है आपकी फ्रेशनेस का राज। सी हाँ, इससे होता क्या है कि एक तो मैं रेड लाइट के झंझट से बचती हूँ, पोल्यूशन से बच जाती हूँ, ट्रैफिक नहीं होता, टाइम कम लगता है, और सबसे बड़ी बात ये कि इससे पेट्रोल की बचत होती है। मतलब ये कि कुल मिला के प्रदूषण बहुत कम होता है और इस पर आप सालाना 500 करोड़ का फ्यूल भी बचा सकते हैं और ट्रैफिक भी आपकी स्मूथ हो जाती है। जी हाँ जनाब, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसी वजह से मेट्रो दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। मेट्रो की लोकप्रियता का प्रतीक ये है कि इससे करीबन 3 लाख यात्री रोजाना मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। इतना ही नहीं, जब इस साल मार्च में इसका पहला फेज पूरा हो जाएगा ना, तो पूरी उम्मीद है कि ये आंकड़ा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख तक पहुंच जाएगा। और इसकी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए अब इसे कई जगहों पे आजमाया जा रहा है, जैसे कोची, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद भी। और मेरे ख्याल से अब हमें मेट्रो की यही स्पीड यहाँ ट्राई करनी चाहिए और जल्दी से शुरू करना चाहिए हमारा वो प्रोग्राम जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू किया जाए हमारी टीम्स के परिचय के साथ। सबसे पहले आपको परिचित कराते हैं टीम शक्ति से, जो आई आर्मी स्कूल नारंगी गुवाहाटी असम से। हमारे आज की दूसरी टीम है टीम रक्षक, जो आई है ग्रीन वेव मॉडर्न स्कूल दिलशाद गार्डन दिल्ली से। और साथ ही स्वागत हमारे उन दोस्तों का जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमारी ऑडियंस। इसके साथ ही यहाँ हमारे साथ हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्कोरर जिसका नाम है बूंद। शुरुआत करते हैं हमारे पहले राउंड की जिसका नाम है कुछ कर दिखाना है। दोस्तों, कुछ कर दिखाना है एक परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड है जिसमें हमारी दोनों टीम्स एक एक करके आपके सामने आएंगी, परफॉर्म करेंगी, अपनी बात कहेंगी और इन्हें जज करेंगी हमारी ऑडियंस। तो चलिए सबसे पहले आमंत्रित करते हैं टीम शक्ति को। अरे दिन भर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा, मेरी इस खटारा का क्या होगा, मेरे देश की धरती सोना। बस बस बंद करो ये नाच गाना, यहाँ मुसीबत पर मुसीबत आई जा रही है और तुम्हें नाच गाने की पड़ी है। क्या हुआ मुखिया जी, कौन सी मुसीबत आ पड़ी है, क्या फिर से कोई बाढ़ आने वाली है या आपकी बीवी वापस आ गई है। खामोश, तुमको मजाक सूझ रहा है, कल जब डीजल लेने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा आज से फिर डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अरे राम, कितनी बुरी खबर बताई आपने, अब तो सिंचाई के लिए डीजल खरीदना कितना मुश्किल हो जाएगा, सारी कीमत डीजल में ही फूक जाएगी। अरे रे, ये कौन है, हमारे गाँव में कहाँ से आए। अरे कौन है आप, कौन गांव से आए हैं। तो तुमने हमें नहीं पहचाना, हम किसी गांव, शहर या देश के रहने वाले नहीं हैं, फिर भी मौजूद पूरी दुनिया में हैं। दुनिया के कोने कोने में हमारी मांग है, हमें पहचानो, हमारी कीमत जानो, लोग मुझे डीजल के नाम से जानते हैं और मैं हूँ पेट्रोलियम, लोग मुझे काला सोना कहते हैं। तो आप लोग ही पेट्रोलियम और डीजल महाराज है। जी हाँ, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं पर क्या करें, दिन भर दिन आपकी कीमत बढ़ती ही जा रही है। इज्जत, क्या खाक इज्जत करते हो तुम हमारी, मेरा डीजल का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है,
बर्बादी हो रही है मेरी। अगर लोग मुझे सूझबूझ से इस्तेमाल करेंगे तो मेरी बचत होगी, यानी तुम्हारा फायदा भी ज्यादा होगा और मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे काम भी आ सकूंगा। तो आप लोग ही बताइए हम क्या करें, पंप में आपका सही तरह से इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब देखो भाई, काम बड़ा आसान है, बस इतना वादा है निभाना, पंप हमेशा ऐसा ही लगाना। क्यों, आई ना बात समझ में? आई। काम बड़ा आसान है, बस इतना वादा है निभाना, फुट वॉल्व का मुंह चौड़ा और पाइप पीवीसी का ही लगाना, पाइप में मोड़ रखो कम, पाइप सीधा ही अपनाना, जोर भी हो गोल तीखे मोड़ कभी ना लगाना। काम बड़ा आसान है, बस इतना वादा है निभाना। वाह भाई वाह, क्या बात है। काम बड़ा आसान है, बस इतना वादा है निभाना, बेल्ट रहे कसी हमेशा, जोर कभी ना लगाना, बस इतना वादा है निभाना। वाह क्या बात बताई है, सबकी समझ में आई है। हाँ, अगर मेरी सलाह मानोगे तो पंप चलाने में डीजल की अच्छी बचत कर पाओगे, यानी खर्च कम मुनाफा ज्यादा। आपकी बात हम समझ गए, अब हम अपने गांव के पंपों में ऐसा ही करेंगे। बहुत अच्छे, तो अब फिर हो जाए नाच गाना, हो जाए। मेरे देश की धरती सोना, उंगले उंगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। टीम शक्ति ने बहुत पते की बात कही, मगर देखते हैं कि रक्षा काज हमारे लिए यहाँ क्या मैसेज लेकर आई हैं। दोस्तों, कभी रहीम ने कहा था बिन पानी सब सून, और आज हम कहते हैं बचाओ बूंद बूंद। बॉलीवुड की दुनिया में भी नसीहतें दी गईं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और आज विज्ञापन कहते हैं दो बाल्टी पानी हर रोज बचाना चाहिए। यह बदलाव आया है देश दुनिया में पानी के बढ़ते संकट से। तो दोस्तों, आज की थीम है पानी, और इस पर कविताएं सुनते हैं इन महानुभावों की जबानी। और सबसे पहले मैं आवाज देने जा रहा हूं एक ऐसे कवि को जिनकी आंखों में पानी भर आया है। अब आप ताली बजाएं या ना बजाएं, ये पूरी कविता सुनाकर ही दम लेंगे। स्वागत करते हैं जनाब धुरंधर मटकावाला का। जी हाँ, आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आओ मेरे पानीदार साथियों, जिस प्रकार से आप पानी को बर्बाद करते जा रहे हैं, एक दिन पानी का अकाल आ पड़ेगा, और तब काम आएंगी मेरी पानी से भरी हुई कविताएं। ये कविताएं कुछ इस तरह से हैं। शादी का न्योता मेरे पास कुछ इस तरीके से आया, मान्यवर बिटिया की शादी है, जरूर आएगा, पर पीने के लिए एक पानी की बोतल जरूर साथ लाइएगा, क्योंकि यहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं पाइएगा। लड़के वालों ने मांगा है एक ड्रम पानी, लड़के वालों ने मांगा है एक ड्रम पानी, तो बस करिएगा इतनी मेहरबानी, गिफ्ट लाइएगा तो लाना एक बोतल पानी, एक बोतल पानी, एक बोतल पानी। तो दोस्तों, ऐसी नौबत मत आने दीजिए कि लड़की के पिता को ऐसी फरियाद करनी पड़े। इसी गुजारिश के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब हसौड़ बनारसी को। जी हाँ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, आइए आइए। आदाब दोस्तों। दोस्तों, कमाल हो गया कमाल हो गया, धोती को फाड़कर रुमाल हो गया। शहर में चल पड़ी है पानी की दुकान, तीन तीन है इसके तिमंजिले मकान। पिछले दिनों इसने एक नया शोशा छोड़ा, पिछले दिनों इसने एक नया शोशा छोड़ा, धमाका सेल के आइडिया को तोड़ा मड़ोड़ा। लिख दिया पानी ले जाना है फ्री ले जाओ, पर भैया सर्विस टैक्स नगद चुकाते जाओ। एक बाल्टी पानी पर दो गिन के रुपया 20, यही है गंगू परोपकारी की छोटी सी फीस। गंगू की यह अदा सब प्यासों को भा गई, गंगू की यह अदा सब प्यासों को भा गई, गंगू की दुकान शहर भर पे छा गई। जो कभी बहाते थे पानी को पानी की तरह, आज गंगू का सर्विस टैक्स चुका रहे हैं। आंखों में आंसू हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी नौबत मत आने दीजिए कि आंखों में आंसू आ जाएं। और इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं जनाब फक्कड़ नागपुरी जी को। जी हाँ, आइए। नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आने वाले समय के लिए मैं एक बनगी पेश करना चाहता हूँ, और आप लोगों को कुछ खट्टा मीठा बताना चाहता हूँ।
मैंने कक्षा में बच्चों से पूछा, बताओ तीसरा विश्व युद्ध किस हथियार से लड़ा जाएगा? सही जवाब बताने वाला मुझसे एक टॉफी इनाम में पाएगा। पप्पू बोला, मास्टर जी आप भी करते हैं कमाल। पप्पू बोला, मास्टर जी आप भी करते हैं कमाल, वर्तमान के प्रश्न में कहां से आ गया भविष्यकाल? हमारी गली के हर नल पर होता है वर्ल्ड वॉर, बर्तन बेलन डंडा लाठी सब बन जाते हैं हथियार, हिंदी अंग्रेजी उर्दू मराठी सभी भाषाओं में होती है लड़ाई, पर यकीन मानिए हमने आज तक कभी पुलिस नहीं बुलाई, क्योंकि पुलिस वाला मांगता है समझौते के लिए एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी पानी। दोस्तों पानी का मूल पहचानिए, गली गली में विश्व युद्ध की नौबत मत आने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। भाई टीम शक्ति और टीम रक्षक ने अपने अपने पते की बात कह दी, अपना अपना पता बता दिया। आप देखें ऑडियंस उनकी पते की बात को कितने अंक देती है, बताएं आप टीम शक्ति को कितने पॉइंट्स देते हैं? वेल टीम रक्षक की कविताएं हमारे मन को तो खूब भाई, मगर ऑडियंस क्या ये आपका दिल जीत पाए? तो भाई ऑडियंस ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और हमारे पास इस राउंड के स्कोर टोटल करने का उतना शऊर नहीं है, क्योंकि वो काम बूंद का है। बूंद बताएं इस राउंड के स्कोर्स क्या हैं? इस राउंड में शक्ति टीम को मिलते हैं 600 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 360 पॉइंट्स। बूंद ने स्कोर दे दिए, मुकाबला बहुत जोरों शोरों पर है, मगर इससे पहले कि हम इस खेल को आगे बढ़ाएं, चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाँव गाँव शहर शहर, गाँव गाँव शहर शहर, फैली खुशी की लहर, फैली खुशी की लहर, मुस्कुराया घर घर सुनकर ये खबर, वादा नहीं यकीन, हकदार पाएंगे केरोसिन, 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 वादा नहीं यकीन, हकदार पाएंगे केरोसिन, वादा नहीं यकीन, हकदार पाएंगे केरोसिन। जन केरोसिन परियोजना। धन्यवाद बचाओ जी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत, चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड जिसका नाम है दुनिया बदलने की बात। हमारा ये राउंड वो राउंड है जिसमें हम एक क्लिपिंग के जरिए आपको अवगत कराते हैं कि हमारे आसपास क्या नया हो रहा है। तो टीम्स आर यू रेडी? ध्यान से देखिए आज की क्लिपिंग। ये रही क्लिपिंग। दूर दूर तक हरी भरी दिखती ये विशाल धरती, जो अपने भीतर अनेक खनिज संपदाओं के साथ साथ प्राकृतिक गैस के अपार भंडार समेटे हुए है। इस नेचुरल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो ये बेहतरीन ईंधन साबित हो सकती है, जिससे बड़ी मात्रा में तेल आयात को कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से लगभग 80 साल पहले फिशर ट्रॉप्स नाम की एक विधि विकसित की गई थी, जिसके द्वारा नेचुरल गैस को लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स में बदला जा सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी और साउथ अफ्रीका ने अपने तेल के आयात को कम करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया था। पिछले कुछ वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस विधि में फिर से रुचि दिखाई है और इसको और बेहतर और कारगर बनाने के उद्देश्य से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। धनबाद में स्थित सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पिछले 3 दशकों से वैज्ञानिक गैस टू लिक्विड प्रोजेक्ट पर अनुसंधान कर रहे हैं। CFRI has been working for last 3-4 decades on gas to liquid technology. Recently, CFRI
is in a network project with Indian Institute of Petroleum Dehradun and NCL Pune for the particular work on conversion of gas to liquid technology by Fischer Tropsch synthesis. वास्तव में syngas कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है जो हमें नेचुरल गैस या कोयले से मिल सकती है। फिशर ट्रॉप्स विधि के तहत सिलेंडर्स के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आवश्यकता अनुसार अनुपात में दो अलग अलग पाइप्स के जरिए सिस्टम में लगे मास फ्लो कंट्रोलर के द्वारा सिस्टम में छोड़ा जाता है। यहां से ये गैसेस प्री हीटर टैंक में पहुंचती हैं। यहां गैस मिश्रण प्री हीट होता है ताकि ठंडी गैसेस रिएक्टर में ना जा सकें। प्री हीटर से गैस मिश्रण रिएक्टर में पहुंचता है जिसमें पहले से कैटलिस्ट को लोड किया जा चुका होता है। इस रिएक्टर में अलग अलग कैटलिस्ट और भिन्न भिन्न तापमान और दबाव के साथ अनुसंधान किया गया है। वैसे आमतौर पर यहां तापमान 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक और दबाव 10 से 20 बार तक रहता है। रिएक्टर से निकलने वाले प्रोडक्ट को 3-स्टेज कूलिंग कंडेंसर्स में डालकर ठंडा किया जाता है। पहला कंडेंसर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर कूल्ड होता है। दूसरा कंडेंसर आइस सॉल्ट के फ्रीजिंग मिक्सचर पर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है और तीसरा कंडेंसर क्रायोजेनिक कूल्ड होता है जहां तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहीं पर प्रोडक्ट को आउटलेट से निकाल लिया जाता है और इस प्रकार लिक्विड की फॉर्म में जो प्रोडक्ट निकलता है उसको डिस्टिलेट करके गैसोलीन या पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल प्राप्त किया जा सकता है। सीएफआरआई के वैज्ञानिकों को एक नया कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट खोजने में सफलता मिली है जो बहुत सस्ता है और प्रभावी भी है। कैटलिस्ट इज द हार्ट ऑफ द प्लांट। इफ यू वांट टू कम्पीट ग्लोबली देन कैटलिस्ट मस्ट बी सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट मस्ट बी डेवलप्ड व्हिच हैज गॉट लॉन्ग लाइफ। इट्स एक्टिविटी डज नॉट डिक्लाइन। The CFRI has developed cobalt-based catalyst in this regard. The cobalt-based catalyst has been tested for continuously 184 hours and it has been found that there is absolutely no decline in activity. भारत में नेचुरल गैस के बेशुमार भंडार मौजूद हैं जिन्हें इस विधि द्वारा दूसरे आवश्यक ईंधनों में बदला जा सकता है और काफी हद तक पेट्रोलियम पदार्थों की मांग को पूरा किया जा सकता है। So teams, hands on buzzers, 100 points for right answer, no negative marking. और हाँ, हमारा सवाल खत्म होने से पहले बजर मत दबाएगा, otherwise आप उस क्वेश्चन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। Right, आपका पहला सवाल। प्री हीटर टैंक से जब गैस मिश्रण रिएक्टर में पहुंचता है तब वहां का तापमान और दबाव कितना होता है? 230 to 250 डिग्री सेल्सियस एंड 10 बार 10 to 20 बार 10 to 20 बार 50 to 100 मार्क्स और 100 मार्क्स 100 that's the right answer. CFRI के वैज्ञानिकों को किस कैटलिस्ट को खोजने में सफलता मिली है? शक्ति कोबाल्ट 1 एल्कोजार 1 दैट इज कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट। यू गेट मार्क्स 100 पॉइंट्स राइट आंसर। वेल टीम रक्षक और टीम शक्ति आपके लिए आज का तीसरा सवाल। 3-स्टेज कूलिंग कंडेंसर के तीसरे कंडेंसर में कितना तापमान होता है? टीम रक्षक -40 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 पॉइंट्स राइट आंसर। चलिए देर से ही सही मगर जागे तो सही। चलिए बहुत बढ़िया है, इन्होंने अपना अकाउंट इस तरफ इस राउंड में खोल लिया है। बूंद ये बताएं कि इस राउंड का स्कोर क्या है? इस राउंड में शक्ति टीम को मिलते हैं 200 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। और अब चलते हैं राउंड नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दुनिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताते हैं, दाल चावल या मीट पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। बर्नर्स की नियमित रूप से सफाई करें।
गैस बचाएं। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन अपने पैर को हमेशा क्लच पेडल पर मत रखिए, इससे पेट्रोल अधिक खर्च होता है। वेलकम बैक। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे इस प्रोग्राम के सबसे एक्साइटिंग और सबसे दिलचस्प राउंड में, जिसका नाम है आपने क्या समझा। ये क्या टेलीविजन सेट के सामने बहुत आराम से जवाब दिए जा रहे हैं ना, अब जरा हमारे इन पार्टिसिपेंट्स के साथ जवाब दें तो जानते हैं ना। इस राउंड में हम आपको देंगे कुछ क्यूज और उन क्यूज में आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वेल, ये 6 क्लूज होंगे और ये किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी भी चीज के पर आधारित हो सकते हैं। इस राउंड की खासियत यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इफ यू हिट द बजर ऑन द रॉन्ग क्यू, एज इन यू डोंट नो द आंसर, यू लूज 50 पॉइंट्स। मगर एक प्लस पॉइंट भी है और वो ये कि इसमें 600 पॉइंट्स भी है। अगर आपने पहले 2 क्लूज में ही हमें जवाब दे दिया, यू गेट 600 पॉइंट्स एंड उसके बाद हर क्यू के साथ मार्क्स कम होते जाएंगे। तो आपके लिए योर्स, मगर ध्यान से। पहला क्लू है, इनका जन्म 1858 में पेरिस में हुआ। एनी टेकर्स? नो नो, दे आर प्रीटी अप्रिहेंसिव। ओके, स्मार्ट। क्यू नंबर 2, वो अपने जमाने के एक जाने माने थर्मल इंजीनियर थे। एनीबॉडी? कम ऑन, योर हेड्स आर रॉकिंग, पैड्स आर स्क्रिबलिंग, कम ऑन। 600 पॉइंट्स हाथ से निकल जाएंगे अगर हमने अगला क्लू पढ़ दिया तो। You lose 50, you can gain 600. Anyways, ध्यान से सुनिए। 1893 में इन्होंने एक उपयोगी मशीन का आविष्कार किया। Come on, gang, come on, come on, come on. You're losing out on the points. Clue number 4. इनके नाम पर ही एक ईंधन यानी फ्यूल का नाम पड़ा, जिसका हमारे जीवन से गहरा रिश्ता है। That was the easiest one. This is spoon feeding, my dear friend. No? Never mind. Clue number 5. इनके द्वारा किया गया आविष्कार आज 150 वर्ष बाद भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। Come on, guys. This is time for you to wake up. Never mind. I'm giving away the 6th clue, which will only give you last clue. 100 points. This is it. इस महान आविष्कारक की मृत्यु 1913 में हुई। Nobody. टीम शक्ति, कम ऑन। ये डीजल? व्हाट डीजल? मिस्टर डीजल। मिस्टर डीजल? That's pretty smart. He has no first name, no father's name. And you said Mr. Diesel. Well, it could have been Miss Diesel also, but you're pretty close. So, actually, it is Rudolph Diesel. That's the answer we are looking at. मगर क्योंकि अब आपने उनकी सरनेम तक तो सही पहुंचे थे, तो मेरे ख्याल से सॉन्ग आपको दिए जाते हैं। That's the right answer. Well, Rudolph Diesel, वो पहले एक रेफ्रिजरेटर इंजीनियर थे, लेकिन वो शुरू से ही इंजन डिजाइन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाद में कई इंजन डिजाइन किए, जिसमें डीजल इंजन भी शामिल था। उन्होंने पहला सोलर पावर एयर इंजन डिजाइन किया। उनके द्वारा डिजाइन किए गए इंजन ने यह साबित कर दिया कि ईंधन को बिना स्पार्क के भी इग्नाइट किया जा सकता है। तो चलिए जनाब, इस राउंड के मैथमेटिक्स क्या कह रहा है ये जानने के लिए चलते हैं हमारी स्कोरर बूंद के पास। इस राउंड में शक्ति टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट और रक्षक टीम को इस राउंड में कुछ नहीं मिलता। आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट छोटी सी बात। दोस्तों, ये तो आप भी मानोगे कि कुछ जरूरी कामों से जान बचाने में हम जो बहाने बनाते हैं, इसमें हमसे बढ़ के शायद ही कोई हो। अब अपने वातावरण में हरियाली रखने को ही देख लीजिए। शहर में रहने वालों की अक्सर ये शिकायत होती है कि सब हमारे रहने को जगह नहीं, हरियाली कहाँ रहेगी। अरे भाई, गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाओ, अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ही रख दो। कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि उनको आप अपने कमरों में रख सकते हैं, और अलावा इसके कि आपके वातावरण को सुंदर बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे, कई पौधे तो आपकी सेहत के लिए तरह तरह से फ़ायदेमंद हैं। आपको लगाएं, लगा कर देखें कितने फ़ायदे होते हैं।
अब आप टीवी के सामने ही बैठे रहेंगे या गमला वमला ढूंढने जाएंगे? चलिए जनाब, अब जरा आपसे मुखातिब होते हैं और बात करते हैं कुछ सवाल की और कुछ जवाब की। कागज कलम उठा लीजिए और ध्यान से सुनिए हमारा आज का सवाल, क्योंकि अगर आपने इसका सही सही जवाब दिया ना तो फिर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। ध्यान से सुनिए, बच्चे में किस विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? आपके जवाब 7 दिनों के भीतर हमें मिल जाने चाहिए। हमारा पता है, खेल खेल में बदलो दुनिया, PCRA 10 भीगाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066। हमारा ईमेल आईडी है khel@pcra.org। आप अपने जवाब SMS द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9811771717। हमारे एपिसोड नंबर 119 के सवाल का सही जवाब है पौष्टिक और संक्रमणों से बचाव शक्ति प्रदान करना। और सही जवाब भेजकर डिपार्टमेंट ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से इनाम पाने वाले भाग्यशाली विजेता हैं उत्तम सरकार सालगुरा से, हेमंत कुमार यर्रा विशाखापट्टनम से ईमेल द्वारा, मनप्रीत कौर बहराइच से SMS द्वारा, KVS अनिल विशाखापट्टनम से, पूजा यमुनानगर से ईमेल द्वारा, सुशीला जयेंद्र कुमार मंगरौल से, रविंद्रनाथ मलिक राउरकेला से SMS द्वारा, होमबाई लांबा गोलाघाट से, राजशेखर चंडीगढ़ से ईमेल द्वारा, कैलाश मुकेश पारिक जामनगर से, डॉक्टर धन सिंह शाकिया भोपाल से SMS द्वारा, सुशील गुप्ता पानीपत से और कांताबेन एम पटेल राजकोट से। आज का इनामी पत्र हमें लिखा है हरि कृष्ण पांडे ने देवरिया उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं कि इस कार्यक्रम से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अपने 5 एकड़ के चक में जत्रोफा की खेती करवाना चाहता हूँ। साथ ही इन्होंने अपने गंदे कुएं को भी साफ करवाया ताकि ये बरसात के पानी का संरक्षण कर सके। और ये वो घड़ी है जो मेरे हिसाब से सबसे इमोशनल घड़ी होती है, सबसे पल्सेटिंग घड़ी होती है, सबसे एक्साइटिंग घड़ी होती है। बिल्कुल, और ये घड़ी बूंद ही कंट्रोल करती है क्योंकि उसके पास बहुत सारी वॉचेस हैं। साथ दीजिए बूंद, बताएं कि आज का फाइनल स्कोर क्या है? शक्ति टीम को मिले हैं 900 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिले हैं 460 पॉइंट्स। भाई बूंद के स्कोर्स कह रहे हैं कि गुवाहाटी वालों ने आज ये बाजी मार ली है, यानी शक्ति टीम है हमारी आज की विनर। कंग्रेचुलेशन। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलता है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से ये आकर्षक इनाम। जानते हैं जब इस पॉइंट पर पहुँचते हैं ना, और वक्त जैसे ही खत्म ना होने वाली चीज भी खत्म होती हुई महसूस होती है, तो यकीन मानिए बहुत हेल्पलेस फील होता है। मगर सोचिए फिर उन रिसोर्सेज का क्या जो एक दिन खत्म हो जाएंगे? Well, ये ख्याल अपने आप में बड़ा मॉर्बिड है, बड़ा डराने वाला है, मगर एक संभावना ये है जरूर। तो दोस्तों, जो जो सुझाव, जो जो तरीके हम आपको बताते हैं उन्हें अमल में लाइए, ये बहुत बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे ये वादा कर रहे हैं और हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत, नमस्कार। और स्टूडेंट्स के एनकरेजमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर AK गोयल, डायरेक्टर PCRA।